यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 पद संख्या 7। क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सब जन से कह रहा है कि हम उसके भेड़, हम उसके संतान है, हम उसके चुने हुए विंशन है। मेरे भाई और बहनों, आज सुबह परमेश्वर हम सब जन को जो देख रहे सुन रहे हर जन को कह रहा है कि तू मेरा है। परमेश्वर मेरे भाई और बहनों हमसे बहुत प्यार करता है, हमें उसे देखना है जिस प्रकार वो है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, उसे उस प्रकार देखे जिस प्रकार वो है। वो एक पिता है। आज का वचन हमें फिर से याद दिला देता है कि वो हमसे प्रेम करता है। मेरे भाई और बहनों, इस जिंदगी में जो हम जीते हैं हर दिन, हमें कभी कभी लगता है कि हमें परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति नहीं महसूस होती, हमें परमेश्वर का हाथ नहीं दिखता, हमें परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर निवास करती हुई नहीं लगती। हमें लगता है हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमसे नाराज है, या हमारे गलतियों के कारण हमारी आशीष रुकेगी। नहीं मेरे भाई और बहन, आज का वचन कहता है कि वो हमारा वंश है, हम उसके वंश है, वो हमारा चरवाहा है, हम उसके भेड़, वो हमें पूर्ण रूप से अपने हाथों में रखता है। इसलिए वचन कहता है कि आज उसके वचनों को सुनो। आज मेरे भाई और बहनों, इस सुबह इस वचन को लेकर पूरे दिन अपने में मन चिंतन करिए कि परमेश्वर के हम भेड़ है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है और वो हमारा देखभाल करता है। वो हमारे गलतियों को नहीं, अब पिता अपने बेटे के बलिदान को देखते हुए हमें देखता है। जिस समय मेरे भाई और बहनों अपने आंखों को बंद रखेंगे, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे, पिता परमेश्वर इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर की तरह वचन कहता है कि तू हमारा चरवाहा है और हम तेरे भेड़, तू हमें पूर्ण रूप से अपने हाथों में रखता है। आज परमेश्वर इस वचन को हम सुनते हैं और इस वचन को अपने जीवन में मास बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस पूरे दिन में परमेश्वर हम अपने गलतियों को ना दोहराएंगे, लेकिन तेरे वचनों को दोहराएंगे। तेरे वचन के ऊपर मन चिंतन करते हुए इस पूरे दिन को आज हम काटेंगे परमेश्वर। अपने सोच विचार शब्द हर एक चीज तुझे देते हुए परमेश्वर अपना ये जीवन तेरे हाथों में देते हैं और हर चीज तेरी ओर देते हुए ये प्रार्थना मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री।